पूरे गोना बराबर क्लास। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो क्लास को जाने के पहले से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? तो फाइनाइट वर्ब क्या है? जो वर्ब सब्जेक्ट के पास रहेगा, हाँ, किससे दोस्ती करता है? जो वर्ब से दोस्ती करेगा, ये हो गया फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब से दोस्ती नहीं करेगा, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। दोस्ती का मतलब समझ में आ रहा है ना? जो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूराल तो वर्ब हो जाएगा प्लूराल, और जो सिंगुलर नहीं प्लूराल में फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पहले हम चले जाते हैं हमारे कॉलोनी को, इसका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके निकलेगा क्या क्या है दिखते हैं ना। तो यहाँ पे दिया है, देखिए फाइनाइट वर्ब के बारे में नहीं दिया है, सिर्फ नॉन फाइनाइट के बारे में दिया है। बट फाइनाइट जितना भी हमारे इंग्लिश में है, जितने भी वर्ब है, ये सब कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। मैं और भी कुछ चीजें बोला था आपको ना, माने जो भी वर्ब है फाइनाइट तो दिखता है या वर्ब कहलाता है, लेकिन वो एक्जेक्टली वर्ब होता नहीं है। जैसे आप स्टूडेंट हो लेकिन बदमाश हो, तो मैं क्या बोलूंगा? बदमाश स्टूडेंट बोलूंगा, तो स्टूडेंट बोलूंगा कि नहीं? बदमाश भी बोलूंगा, स्टूडेंट भी बोलूंगा। तो ये भी है, भाप तो कहलाएगा लेकिन उसका काम भाप का नहीं रहेगा। क्या रहेगा? उसका कब नाउन हो जाएगा, कब एडजेक्टिव हो जाएगा, कब नाउन आर्टिकल हो जाएगा। आर्टिकल होता है कि नहीं दिखते हैं ना? तो क्या है, हमारा जो नॉन फाइनाइट भाव है तीन ठो होता है। एक होता है हमारा इन्फिनिटिव, जिससे बोलते हैं टू प्लस वर्ब वन, ध्यान दो, टू प्लस वर्ब वन, उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब वन है, लेकिन ये वर्ब कहलाता है लेकिन वर्ब है नहीं। ये नाउन हो सकता है, ये मैं लिखाऊंगा, पहले मैं बता दे रहा हूं ना, नाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, और कभी कभी अलग पार्ट ऑफ स्पीच में भी जा सकता है ना। तो जेरंड क्या है? जेरंड को जो वर्ब फोर बोलते हैं, वर्ब फोर एक्चुअली वर्ब फोर ही है, लेकिन वर्ब फोर कब नाउन होगा और कब एडजेक्टिव होगा ये देखेंगे ना। वर्ब फोर जब नाउन हो जाएगा उसको जेरंड बोलेंगे, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, हां क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर कंफ्यूजन होगा तो जस्ट की आस्किंग मी सो दैट वी मे हैव ए प्रॉपर डिस्कशन। तो जब वर्ब फॉर नाउन हो जाएगा तो ये जेरंड कहलाएगा, क्या होगा? जब वर्ब फॉर नाउन हो जाएगा जेरंड कहलाएगा, और वर्ब फॉर जब एडजेक्टिव हो जाएगा पार्टिसिपल कहलाएगा। आर यू गेटिंग? ओके, तो जब भी वर्ब फॉर नाउन हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? जेरंड। तो जानेंगे कैसे ये नाउन है कि वर्ब है, ये देखेंगे। जब वो एडजेक्टिव हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल। तो यहाँ पे लिखा है देखो, हाँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर पार्टिसिपल को फिर डिवाइड किया गया है, भार फोर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो इसके ऊपर आज डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ नॉन फाइनाइट के बारे में दिया है, हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों को जाएंगे। हाँ तो फाइनाइट है तो उसके ऊपर जाएंगे नहीं हम, नहीं तो निकाल देते हैं बाहर। हाँ देखो, फाइनाइट वर्ब हैज ए सब्जेक्ट एंड सो टेंस, क्या बोला मैं? फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब हर वक्त टेंस के साथ चेंज होगा, क्या होगा? टेंस चेंज करेगा। जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ दोस्ती करेगा उसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा, देखो यहाँ पे लिखा है द थीप एस्केप्ड अगेन, हाँ द थीप एस्केप्ड अगेन, बट यहाँ पे हम एस्केप्ड को एस्केप्स भी बोल सकते हैं, हाँ ध्यान दो, escape यहाँ हुआ है उसको हम escapes भी बोल सकते हैं, tense change कर सकते हैं। जहाँ पे subject verb के हिसाब से change होगा, हाँ very good evening सार्थक, very good evening, doubt नहीं हो रहा है ना, doubt होने से बोलना। तो जब भी subject के हिसाब से verb change होगा उसको हम बोलेंगे finite verb, और जब verb subject में change नहीं होगा उसको बोलेंगे हम non finite या infinite verb। सारा is crying with joy, देखो यहाँ पे सारा subject है, is क्या है, क्राइंग क्या है, इज भी तो वर्ब है ना, यहां भी लिखा है देखो, फाइनाइट वर्ब एक्ट एज ए वर्ब, दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट, माने क्या बोला, दे गॉट दिखाया है, यहाँ पे हम उसे दे गेट भी लिख सकते हैं, है ध्यान देना, दे गॉट जो हुआ है दे गेट भी हम उसे कर सकते हैं। आई लिव दिया है, अगर यहाँ पे ही होता तो लिप्स हो जाता, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जहां पे सब्जेक्ट के हिसाब से भाव चेंज होता रहेगा उसको हम बोलेंगे फाइनाइट भाव, और जहां पे चेंज नहीं हो जाएगा उसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट भाव। तो यहाँ पे सी वाज वेटिंग है,
लेकिन यहाँ पे अगर दे कर देंगे तो ये वेयर भी हो जाएगा। हाँ, तो जहां पे भाव सब्जर्वे चेंज होता रहेगा उसको हम बोलेंगे फाइनाइट भाव, और जो चेंज नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट भाव। लेकिन यहाँ फाइनाइट का एग्जाम्पल दिया है, नॉन फाइनाइट भी है, यहाँ पे आएंगे। यू प्रोमिस दिया है, हम इसको यू प्रोमिस भी बोल सकते हैं, यू हैव प्रोमिस भी बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी आराम से चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड इवनिंग, आई लव यू, सुष्मिता, सार्थक, समझ में आ रहा है? तो क्या क्या बोला, फाइनाइट भाव क्या होगा, जो भाव के साथ सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा उसको हम फाइनाइट भाव, और चेंज नहीं हो पाएगा उसको बोलेंगे हम नॉन फाइनाइट भाव। जीन सेड दैट, यहाँ पे जीन हम सेस भी कह सकते हैं, या जीन हैड सेड भी बोल सकते हैं। तो जो मैंने भाव के साथ चेंज होगा उसको हम बोलेंगे फाइनाइट भाव, और चेंज नहीं हो पाएगा उसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट भाव। और एक बात है यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूं, देखो पेन कहाँ गया रे, देखो हाँ, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हो। हाँ, कोई कोई बुक में नॉन फाइनाइट भी देगा और कहाँ का इनफाइनाइट वर्ब भी देगा। ऐसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है, और आज हम ऐसे भी जो जो एग्जाम में गिरा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइनाइट वर्ब क्या है, जो सब्जेक्ट के साथ आएगा, दिख रहा, द वर्ब, द वर्ब व्हिच कम्स, व्हिच कम्स भी लिख सकते हो, नियर द सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, व्हिच कम्स with the subject is called finite verb। क्या बोला, समझ में आया? तो the verb which comes with the subject is called finite verb। okay, तो the verb which comes with the subject is called finite verb, or the verb which is not near, वो पास में रहेगा, ये पास में नहीं रहेगा, near the subject is called infinite भी बोल सकते हो, non finite भी बोल सकते, is called non or infinite। ओके, तो दी वर्ब व्हिच कम्स विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, और दी वर्ब व्हिच नॉट नियर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ? तो क्या बोल रहा हूं, जो सब्जेक्ट के साथ रहेगा या चेंज होता रहेगा उसे हम फाइनाइट बोलेंगे, या चेंज नहीं हो पाएगा उससे हम नॉन फाइनाइट बोलेंगे। और एक बात लिख सकते हो, द वर्ब व्हिच चेंजेस, हुई चेंज, मैंने हर बार चेंज होता रहेगा, हुई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्या बोल रहे, हुई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। और यहां और एक वर्ब पॉइंट लिख दे दो, द वर्ब which does not change, which does not change with the subject, क्या बोला, क्लियर? तो the verb which changes according to the subject is
मैं एफ बी लिख दे रहा हूं, फाइनाइट वर्ब, द वर्ब व्हिच डज नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट दैट इज नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। क्या बोला, क्लियर हुए? तो जो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, जो चेंज नहीं होगा उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, देखो अब भी, हाँ समझ आ रहा है ना? पृथ्वीराज, सुष्मिता, राजेश, कानंद, हाँ मैं समझाऊंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब के पास ये नहीं है, माने शाश्वत पुजारी, जस्ट ट्राई टू गेट मी, माने जो वर्ब सब्जेक्ट के पास नहीं रहेगा, ध्यान दो, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, जो वर्ब सब्जेक्ट के पास नहीं रहेगा उसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोला, क्लियर? जो वर्ब सब्जेक्ट के पास नहीं रहेगा और वो वर्ब के सब्जेक्ट के पास चेंज नहीं होगा उसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, नहीं हम भारफोर तक नहीं गए हैं, मैं जाने समझाऊंगा सार्थक, भारफोर कब नाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा, कब वर्ब होगा। नाउन हो जाएगा तो ये जेरंड हो जाएगा, ये बाद में जाएंगे, डेफिनेटली समझेंगे आप। तो सस्मिता क्लियर ना? हाँ, वर्ब भी है लेकिन ये वर्ब कहलाएगा लेकिन वर्ब का काम नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब तो स्टूडेंट हो, बट स्टूडेंट का काम नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे, बदमाशी करते रहोगे तो आप स्टूडेंट तो कहलाओगे, तो इसका काम भी वही होगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वो वर्ब कहलाएगा लेकिन काम करेगा वो नाउन का, एडजेक्टिव का या अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का, उसको डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं ध्यान देंगे, भारपुर को जाएंगे, गए नहीं हम। हाँ तो यहाँ पे देखो दिया है डोंट एक्ट एज ए वर्ब, देखो लिखा है यहाँ, लिखा है कि नहीं? क्या बोला है? नॉन फाइनाइट वर्ब डोंट एक्ट एज ए वर्ब, वर्ब जैसे काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डोंट एक्ट एज ए वर्ब माने वर्ब जैसे वो काम नहीं करेगा। तो कैसे जानेंगे, जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल जरूरत है ना? तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब आपको स्कूल में पढ़ाया जा चुका है ना, स्कूल कॉलेजेस में, कॉलेज छोड़ो स्कूल में, हाँ नहीं पढ़े ना? हाँ बड़े क्लास में कॉलेज बोल देते हैं, आवाज आ जाता है ना। तो देखो एक्ट एज ए नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, क्या बोला मैं? ये हर वर्ब नाउन बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा ना। दिस स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, क्या बोला है? यहाँ पे स्लीपिंग कैट क्या है, ये जरा आगे जाएंगे ना, यहाँ तो गया नहीं है, समझ नहीं पाओगे। हाँ स्लीपिंग कैट माने सुआ हुआ बिल्ली, सुआ हुआ बिल्ली यहाँ पे वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है? स्लीपिंग, क्यों सुआ हुआ, यहाँ पे सेंस आ जाएगा सुआ हुआ ये एडजेक्टिव है लेकिन आईएनजी होना चाहिए। हाँ यहाँ पे सुआ हुआ बोला बोलकर ये एडजेक्टिव हुआ और सोना अगर देता तो ये नाउन हो जाता, ये जरा ध्यान देना, रटना मत, रटने से तो बहुत लेंथी हो जाएगा पढ़ाई। सुआ हुआ जैसे वो खाता हुआ, मुझे खाता हुआ दिखा और खाना दिखा, तो ये जरा ध्यान देना क्या दे रहा है। तो दिस स्लीपिंग क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव, लेकिन समझेंगे एग्जाम्पल देखिए, ये तो छोटा सा चीज है, ये तो बुक को उतार देना जैसे होगा। डोंट इंडिकेट पर्सन नंबर एंड टेंस, सी टिप आउट राउंड द हाउस सो एज नॉट टू वेक एनी वन। देखो यहाँ पे सी टिप टॉट दिया है, टू वेक दिया है, ये टू वेक क्या है यहाँ पे, इन्फिनिट वर्ब है। टू प्लस भार वन क्या है, ये एक नाउन का काम कर सकता है, ये नाउन हो सकता है, ये एडवर्ब हो सकता है, हाँ और ये कभी कभी एडजेक्टिव काम भी कर सकता है। देखो नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, कब एडवर्ब होगा ये बात की बात है ना। तो आर इन्फिनेटिव जेरंड एंड पार्टिसिपल, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या दिया है, आर इन्फिनेटिव माने टू प्लस भार वन, जेरंड माने भार फोर, पार्टिसिपल्स माने भी भारपूर, बट जानेंगे कैसे, ये जानने के लिए एग्जाम्पल चाहिए ना। आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड, मैं मेहनत कर रहा हूँ समझने के लिए, तो ये हाँ यहाँ पे आई में हम स्ट्रगल दिए, ही अगर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रगल भी हो जाएगा, लेकिन ये टू अंडरस्टैंड हर बात टू अंडरस्टैंड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा ना। ये एग्जाम्पल में समझेंगे, अपीयर इन इन्फिनिटिवल पार्टिसिपल एंड जेरंड पार्टिसिपल क्लॉजेस, किड्स लाइक, देखो यहाँ पे किड्स दिया है बोलकर लाइक दिया, लेकिन यहाँ पे अगर किड्स होता तो क्या होता, किड्स अगर होता तो ये लाइक्स होता है, लाइक्स होता, लेकिन यहाँ पे टू प्ले जो दिया है ये टू प्ले ऐसा ही रहता जैसे दिया गया है। तो ये हो गया इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट, लेकिन ये क्या हो गया, एक फाइनाइट वर्ब है। क्या बोला, समझ में आ रहा है ना? जो चेंज नहीं होगा दैट इज फाइनाइट वर्ब,
और जो चेंज होता रहेगा ये नॉन फाइनाइट भाव। तो हम जरा आगे जाते हैं, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देंगे। हाँ ये बाद में करेंगे, पहले डिस्कस कर लेंगे। नहीं 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 ये डिस्कस कर लेंगे हम। क्या वो जो क्वेश्चन था पहले का था? तो हाँ बाद में भी सारे डिस्कस कर दिखेंगे। यहाँ पे देखो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना जरा। तो क्या क्या बोला समझ में आ रहा है ना? अब जो मैं लिखा रहा हूं जरा समझना क्या क्या बोला जा रहा है। देखो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कौन सी फाइनाइट है और कौन सी इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब है। हाँ तो ध्यान दो, राम गोस टू प्ले, राम गोस टू प्ले फुटबॉल। तो यहां पे फाइनाइट भाव कौन सी है, नॉन फाइनाइट भाव कौन सी है? ध्यान दो, यहां पे फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, पूरा अच्छे से समझो क्योंकि यही एग्जाम का मेजर पोर्शन है। क्या होगा फाइनाइट भाव? यहाँ पे राम गोज जो है ये हो गया हमारा फाइनाइट भाव। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सार्थक, दिव्यांजलि, टू प्ले क्या है? नॉन फाइनाइट, क्योंकि टू प्ले कभी भी ये सब्जेक्ट जो है चेंज नहीं होगा। टू प्ले हर वक्त क्या होगा? नॉन फाइनाइट भाव है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोल देंगे राम एंड श्याम, बोलेंगे राम एंड श्याम, तो क्या होगा? ये गो चेंज होके हो जाएगा गो, है ना। लेकिन ये टू प्ले जो है हर बार ये टू प्ले ही रहेगा। तो जो माने जो भाव सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होगा या सब्जेक्ट के पास रहेगा, ये क्या है, सब्जेक्ट के पास है कि नहीं, जो सब्जेक्ट के पास रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या, फाइनाइट भाव। और ये उसके हिसाब से टेंस चेंज नहीं होगा, और जो सब्जेक्ट के बाद में रहेगा या दूर रहेगा उसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट भाव, और जो टेंस चेंज नहीं करेगा, माने सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ये चेंज नहीं करे, टेंस डज नॉट, पढ़ाई करना है करो नहीं तो जाओ और जाओ। राम एंड श्याम गोज टू प्ले की राम एंड श्याम गोज टू प्ले होगा, तो कहां पे समझ में आ रहा है, क्या क्या बोलो समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे राम एंड श्याम क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे गो क्यों हुआ, ये प्लूराल है बोलकर ये भाव को चेंज किया। तो जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेगा भाव को उसको हम बोलेंगे फाइनाइट भाव, तो चेंज नहीं हो पाएगा उसको बोलेंगे हम नॉन फाइनाइट भाव। समझ में आ रहा ना, क्या बोला, क्लियर? तो यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सी इच Going to buy something. She is going to buy something. They are going to buy समथिंग। उसके बाद हो गया टू सिंग ए सॉन्ग इच माई हॉबी, माई हॉबी Is to sing a song. तो यहां पे फाइनल कौन सी नॉन फाइनल कौन सी है?
यहाँ पे फाइनल भाव कौन सा, नॉन फाइनल भाव कौन सी है? ऋषभ, डाउट नहीं हो रहा है ना? क्लियर। तो सी इज गोइंग टू बाय समथिंग, यहाँ पे मुझे बोलो इज कौन सी भाव है, गोइंग कौन सी भाव है, टू बाय कौन सी है, यहाँ पे आर कौन सी भाव है, गोइंग कौन सी भाव है, टू बाय कौन सी है, यहाँ पे टू सींग क्या है, यहाँ पे ईच क्या है, माने एक्जुलरी है कि मैन भार्व है, यहाँ पे ईच क्या है, टू सॉन्ग क्या है। एग्जाम में ऑनलाइन दे के आपको ये मैं भी क्वेश्चन दे सकता है, मैं भी क्या तो ऑनलाइन दे क्वेश्चन देगा है ना। तो यहाँ पे ईज गोइंग क्या है, हम सी ईज जो है उसको हम दे करने से आर भी हो जाएगा, क्या होगा ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ईज क्या हो गया, ईज एक फाइनाइट भाव हो गया, क्यों? लेकिन गोइंग क्या है, नॉन फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे हम दे में आर लगाने से भी गोइंग ही रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? वी आर लगाने से गोइंग ही रहेगा। तो एक्चुअली मैन भाव तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ईज हो गया फाइनाइट भाव और गोइंग हो गया नॉन फाइनाइट भाव, क्या बोला समझ में आ रहा है ना? यहाँ छोटे सा चीज है। उसके बाद टू बाय क्या हो जाएगा, टू बाय भी नॉन फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे सी लगाओ दे लगाओ टू बाय ही रहेगा, टू के बाद हरबत भारवानी रहेगा। तो क्या होगा, ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट भाव, क्या बोला समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये इज और गोइंग का मतलब समझ में आया? तो हाँ, फास्ट नंबर क्लियर। ऋषभ, सुष्मिता, डाउट होगा तो पूछते रहे ना। दे आर गोइंग टू बाय समथिंग, ये क्या होगा, दे आर गोइंग टू बाय समथिंग, यहां दे में अगर हम ही लगा देंगे तो यहां पे इज हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आर को हम बीच कर सकते हैं ना, तो जहां पे भाव को हम चेंज कर सकते हैं, ये क्या है, ये एक फाइनाइट भाव है। लेकिन यहाँ पे हम आर करें या ईच करें, ये गोइंग लेकिन ऐसा ही रहेगा जैसा है, इसलिए ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट भाव। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं ना? टू बाय क्या होगा, वही भी वही टू बाय यहाँ पे हो गया, फिर तुम उसे इनफाइनाइट भाव बोलो या नॉन फाइनाइट। समथिंग क्या है, नो डाउट ऑब्जेक्ट है, ये तो हम कुछ कुछ जानते हैं। टू सिंग ए सॉन्ग इज माय, वो भी क्या हुआ, गाना गाना। हाँ, तो टू सिंग क्या है यहाँ पे, नो डाउट नॉन फाइनाइट भाव है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से काम कर रहा है ना, क्या होगा यहाँ पे नॉन फाइनाइट है। इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव मीन्स क्या है, नॉन फाइनाइट। हाँ, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जेरोनिक कभी भी फाइनाइट हो नहीं सकते। यहाँ पे इज क्या है, टू सिंग दिया है, टू सिंग और डांसिंग होता तो अलग हो जाता, तो सिंग उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं? टू सिंग और डांसिंग होता तो ये आर भी हो सकता है। माय हॉबी इज टू सिंग ए सॉन्ग, माय हॉबी दिया है, तो टू सिंग ए सॉन्ग, ये भी क्या हो गया, टू सिंग ए सॉन्ग हो गया, नॉन फाइनाइट भाव। क्लियर हुआ? तो आगे जरा बोले, मैं यहाँ पे मॉडल्स के लेके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, माने इस फाइनाइट को लेके। हाँ, देखो, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू हाउ टू डांस, क्या बोल रहा है, आई विल टीच यू हाउ टू डांस, सी वुड टीच me how to speak। ध्यान देना क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या वही रह रहा है ना। they can help me how to draw, they could help me how to draw। देखते हैं हमारा आर्मी ऑफिसर कौन कौन हो सकते हैं, देखते हैं। यहां तो हम कुछ पढ़े हैं, तो माने क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ, ये दिखना है। जो चेंज नहीं हुआ है ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, और जो चेंज हो सकता है फाइनाइट है ना। ठीक है, ट्राई करो। हाँ, आई विल टीच यू, यहाँ पे विल है, तो यहाँ पे हम सी लगाना से विल होगा, दे लगाना से विल होगा, ये चेंज है भी नहीं होगा। हाँ, क्या क्या बोलो समझ में ना। हाँ, लेकिन विल को हम उड़ भी तो कर सकते हैं ना,
कर सकते हैं कि नहीं, व्हील को उड़ कर सकते हैं कि नहीं, व्हील को कूड़ भी कर सकते हैं। तो जो चेंज होगा ये हो जाएगा फाइनाइट भाव। तो यहाँ पे व्हील क्या हो गया, समझ मारा कि नहीं, यहाँ पे ये हो गया एक फाइनाइट भाव। तो यहाँ पे व्हील क्या है फाइनाइट भाव, क्यों बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टीच क्या है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टीच क्या है, व्हील के मोडल भाव। कल डिस्कस किए थे कैन के बारे में, परसों कैन के बारे में, कैन टेल या कैन टोल्ड था बोलकर, एक था कि नहीं, मोडल भाव है माने हर वक्त क्या रहेगा, भार वान। तो हर वक्त ये चेंज नहीं होगा, हम यहाँ पे उड़ कर देने से भी टीच ही करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, उड़ करेंगे भी तो टीच करेंगे, व्हील होगा भी तो टीच करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो टीच कौन सी भार हुआ समझ में आएगी नहीं, टीच कौन सी भार हो गया, टीच और व्हील, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। ओके, यहाँ पे हाउ टू टी डेंस, ये क्या है, टू के साथ अगर कोई वर्ड आ गया तो ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट क्या क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो सी उड़ टीच मी हाउ टू स्पीक, यहाँ पे मुझे बताइए उड़ क्या है, टीच क्या है, टू स्पीक क्या है, है ना, उड़ क्या है फाइनाइट की नॉन फाइनाइट, है ना, उड़ तो कूट भी हो सकता है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, डाउट होगा पूछते रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं तो आवाज करा कम आ जाता है, हाँ पूछते रहना, माने सार्थक इनफाइनाइट, हाँ उसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, नॉन फाइनाइट भी बोल सकते हैं, राजेश, सुष्मिता, शाश्वत, हाँ यहाँ पे भी कोई माने ऑनलाइन भी स्टूडेंट आता है क्या, माने ऑनलाइन जो करता है यहाँ पे आ जाता है, कोई कोई है क्या, कौन है यहाँ पे, ऐसा है क्या, अच्छा। तो अगर व्हेनेवर यू फील एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन जस्ट कीप आस्किंग मी, हाँ तो यहाँ पे उड़ क्या हो गया फाइनाइट है, तो श्योर 100%, ओके। तो टीच क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना, ये स्पीक। तो एग्जाम में कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा या कोई गार्डियन पूछेंगे तो कर पाएंगे, तो अगर ओके शाश्वत क्या समझ में नहीं आ रहा बोलो, वो मैं बताऊंगा। शाश्वत डाउट कुछ है, वन मिनट, हाँ शाश्वत पूछो, हाँ आई एम गेटिंग यू, टेल मी सर, कैन यू एक्सप्लेन मी फ्रॉम फर्स्ट, आई एम नॉट गेटिंग यू, और एक बार बोलो सर, कैन यू एक्सप्लेन मी फ्रॉम फर्स्ट, नहीं माने आई वांट टू एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग व्हाट, क्या समझाना है, क्या एक्सप्लेन करना है सर, नंबर वन एंड टू, या मैंने आई और सी के बारे में बोल रहे हो ना, यस सर, ओके ठीक है कर रहा हूँ, ध्यान दो, अगर समझ में आएगा फिर पूछना है ना। तो यहाँ पे देखो आई विल टीच यू हाउ टू डांस दिया है ना, तो यहाँ पे जो आई है यहाँ पे हम अगर सी भी लगा देंगे तो विल लगा सकते हैं, लेकिन विल को हम उड भी कर सकते हैं कि नहीं, यस सर, कर सकते हैं ना, यस, तो हम कूड भी कर सकते हैं, यस, माइट भी कर सकते हैं ना, यस, हाँ। तो जो माने चेंज हो जाएगा, जो चेंज हो पाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। तो ये विल फाइनाइट वर्ब हो गया, तो यस समझ में आ रहा, डिड यू गेट माय पॉइंट, यस सर, ओके। यहाँ पे देखो यहाँ पे टीच दिया है, ये टीच क्या है बोलो, टीच क्या है, नॉन फाइनाइट, हाँ नहीं हाँ टीच फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट, स्टूडेंट मैं यहाँ भी पूछ रहा हूँ, श्योर दो, अस्पद, राजेश, दिव्यांजलि, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। तो यहाँ पे जहाँ भी मोडल भाव रहेगा उसके बाद हर वक्त भार वन रहेगा, लेकिन जब बड़े क्लास को जाएंगे पैसिव एक्टिव वर्ब शुरू हो जाएगा, कुछ चेंज हो सकता है, ये बात में पढ़ेंगे, है ना। yes, तो यहाँ पे टीच हो गया क्या है, नॉन फाइनाइट भार। तो यहाँ पे टू डेंस नॉन फाइनाइट है कि फाइनाइट है, आई एम आस्किंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स,
क्लियर हुआ तो यस सर। तो सी वुड टीज मी हाउ टू स्पीक, तो यहां पे वुड हो गया फिर फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वुड को हम कूड भी कर सकते हैं और माइट भी कर सकते हैं, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये दो नंबर क्लियर हो गया तो यस सर। ओके, तो हम चले जाते हैं थर्ड को, दे कैन हेल्प मी हाउ टू ड्रॉ, यहां भी वही शेष है, यहां पे हम कैन को कूड कर सकते हैं कि नहीं, यस कर सकते हैं तो ओके। तो ये हो गया फाइनाइट, एग्जाम में ऑनलाइन दे देगा, बोलेगा हु इज वर्ब सेगमेंट डिस्कस्ड, हाँ ये हेल्प हो गया क्या नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। तो यहाँ पे हाउ टू ड्रॉ, यहाँ भी वही है, टू ड्रॉ हो गया हमारा नॉन फाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे दे कूड, यहाँ पे हम कूड को माइट भी कर सकते हैं, यस सर। फाइनाइट की नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट समझ में आ रहा है तो हाँ। बोर्ड को आओगे, बोर्ड को आओगे तो लिखोगे तो ठीक है ठीक, और एग्जाम करेंगे स्टार्ट तब ये करना है हाँ। तो यहाँ पे फाइनाइट है तो ये ओके, तो ये हेल्प क्या होगा श्योर दो, ये भी नॉन फाइनाइट, तो क्लियर हो गया, डाउट नहीं आगे सर। हाउ हेल्प, हाँ सर हाउ हेल्प कैन बी नॉन फाइनाइट, हेल्प क्यों नॉन फाइनाइट हुआ, मानने यहाँ पे हम कैन लगाए या कूड लगाए तो यहाँ पे हेल्प भी लगाएंगे, जैसे तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ देखो, यहाँ पे सी कूड हेल्प, उसके बाद हो गया वी माइट हेल्प, उसके बाद हो गया दे मोस्ट हेल्प, उसके बाद हो गया यू वुड हेल्प। यहां पे देखो माने जान जाएंगे क्या क्यों चेंज नहीं हुआ है ना, ये क्यों माने नॉन फाइनाइट हुआ, ये क्यों फाइनाइट हुआ, समझ में आ रहा है तो कूड बनने से भी ये हेल्प वन है, सी लगने से भी वही है, वी अगर लगाएंगे तो भी वही है, लेकिन मोडल भाव लगना चाहिए हाँ। दे के मोस्ट समझ में आ रहा है तो ओके। तो यहाँ पे जो हेल्प लिखा गया है हेल्प क्या है, ये हेल्प नॉन फाइनाइट की फाइनाइट है, तो डिड यू गेट माय पॉइंट ओके। तो हम जरा दूसरे क्लास को जाएं, माने दूसरा टॉपिक, माने वही टॉपिक का दूसरा विंग को चले जाएं, हो गया तो क्लियर दो ओके, डाउट होगा फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हाँ। तो हम चले जाएंगे फाइनाइट वर्ब, क्योंकि हमारे एग्जाम में मैं हर बार बोला हूँ इंग्लिश में जितने भी वर्ब है सब फाइनाइट है, और जो नॉन फाइनाइट है एक्चुअली वो भाव नहीं है, वो भाव ऐसा दिखता है एक काम करता है नाउन या एडजेक्टिव का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बदमाश स्टूडेंट, जैसे बोला है ना बदमाश, काम बदमाशी करते हैं स्टूडेंट भी है ना ओके। तो हम यहाँ पे और कुछ ही लिखते हैं, तो समझ में आ रहा है तो जी अच्छा है ना ठीक है, हम आगे जाते हैं, डाउट होगा तो पूछते रहना ओके। यहाँ पे देखो हाँ हम चले जाएंगे फाइनाइट वर्ब के पास, यहाँ पे और कुछ जरा अलग अलग डेट को चले जाते हैं, यहाँ पे हो गया देखो नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा कितना डो होता है, थ्री टू है, थ्री टाइप्स होता है, तो पहला हो गया हमारा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माना क्या है टू प्लस भार वन, नहीं और भी ज्यादा है लेकिन अब छोटा क्लास है ना ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस के ऊपर है, क्वेश्चन देंगे डिस्कस करने के बाद हाँ, लाउड होगा तो पूछते रहना। नॉन इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद जेरंड, नहीं ओनली बिफोर टू के बाद वर्ब फोर नहीं ओनली बिफोर हाँ, और हो गया पार्टिसिपल, तीन टाइप है हाँ, पार्टी पार्टिसिपल
देखो इन्फिनेटिव कैसे आएगा, इन्फिनेटिव आएगा टू प्लस वर्ब वन है ना, ये नाउन के हिसाब से काम करेगा। क्या होगा, भाव तो है लेकिन काम करेगा नाउन हिसाब से, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, ये वर्ब है लेकिन नाउन के हिसाब से काम करता है, उसको इसलिए हम क्या बोलेंगे, भरवाल नाउन। वर्ब भी होगा नाउन भी होगा, इसलिए क्या बोलेंगे, जैसे मैं बोलता हूं बदमाश स्टूडेंट, उसको बोलेंगे भरवाल नाउन, नाउन भी बोलेंगे भरवाल भी बोलेंगे, कि वर्ब है नाउन का काम कर रहा है। जेरंड क्या होगा, जेरंड होगा भार वन प्लस आई एन जी, या उससे हम क्या बोलेंगे भार फोर है, भार वन में एनजी लगा देने से भार फोर हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे भार फोर क्या काम करेगा, नाउन का। क्या नाउन अगर हो जाएगा भार फोर तो हम उसे क्या बोलेंगे, जेरंड। क्या हुआ, तो जेरंड जब हो जाएगा हम उसको भी क्या बोलेंगे, भरवाल नाउन। क्या बोलेंगे, ये नाउन है भाप का काम करेगा, लेकिन कैसे जानेंगे ये भर फोर नाउन हो जाएगा, ये जरा हम आगे जाएंगे ना। उसके बाद हो जाएगा हमारा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल थ्री टाइप्स होता है ना, पार्टिसिपल होगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और एक हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये बुक पढ़ते रहना नहीं तो जान नहीं पाओगे, क्योंकि ये जरा न्यू जैसा लगेगा ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा कैसे, वर्ब फोर। क्या होगा, लेकिन यहां ये क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। ध्यान दो क्या क्या बोल रहा हूं, हाँ एडजेक्टिव काम करेगा। पास्ट जब हो जाएगा क्या करेगा, ये भाव थ्री हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, नहीं वन मिनट, ये भी भार फोर होगा। कहाँ गया वो, ये भी भार पास जो है ना, क्या हो जाएगा, ये भार थ्री का काम करेगा ना, लेकिन ये हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव। सही लिखा था, फिर मैं बोलते अलग टेबुल पे लिख दिया क्या, एडजेक्टिव। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, हैविंग के साथ वर्ब थ्री, क्या होगा, हैविंग और वर्ब थ्री। हाँ स्टूडेंट, मैं जो लिखा समझ में आया कि नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट, थोड़ा माइक जरा ऑन हो गया है शायद। और माइक जरा ऑन हो गया है, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। दीपांजलि, पृथ्वीराज, राजेश, तो आर यू गेटिंग मी, तो हमारा जो नॉन फाइनाइट भाव है कितने टो है, तीन टो, हाँ एक हो गया हमारा इन्फिनेटिव, जिसको हम बोलेंगे टू प्लस बार वन, ये हो गया इन्फिनेटिव। ये क्या काम करेगा, ये नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है, लेकिन हम छोटे क्लास है इतना अंदर तक अब नहीं जाएंगे। टिफिन इतना बड़ा है, छोटा लेट चाहिए ना, बड़ा हो जाएगा तो टिफिन निकल जाएगा, हाँ ध्यान देना। एक हो गया जेरन, जेरन क्या हो गया भार फोर, जब भार वन में एनजी होगा और नाउन का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, जेरन। तो जानेंगे कैसे नाउन है बोलकर, ये जरा एग्जाम्पल देके समझेंगे है ना। तो क्या बोला, क्लियर दो, जब भार फोर नाउन बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जेरन, और जब पार्टिसिपल भार फोर जब एडजेक्टिव बन गया बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या बोलेंगे प्रेजेंट, जब भार फोर एडजेक्टिव बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब भाप थ्री एडजेक्टिव बनेगा उसको क्या बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, और जब हम हैविंग के पास भाप थ्री यूज करेंगे ये हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने एग्जाम में तुम्हारा ये प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल इतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों तो आएगा, तो इसके ऊपर हम जरा डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ, तो क्या बोला, ओके okay?
तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्फिनिटिव को भी समझते हैं, जेरंड को भी समझते हैं, उसके बाद पार्टिसिपल को भी समझते हैं। तो कब ये नाउन बनेगा, कब एडजेक्टिव बनेगा, कब ये जेरंड है, कब ये पार्टिसिपल है, ये जरा समझेंगे। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट नहीं, तो एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, ध्यान देना। भार फोर कब नाउन बनेगा और कब एडजेक्टिव बनेगा और कब ये नाउन का काम करेगा या वर्ब का भी काम करेगा। क्लियर दो बता दो, डाउट नहीं ना। आवाज आ रहा है, कोई घर में होंगे। ओके 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 हाँ। नहीं सर आवाज आ रहा है, ठीक है। नहीं 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 ओके तो आगे बढ़े, तो नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करें, आगे बढ़े। ओके ठीक है, तो हम चले जाते हैं हमारे दूसरे बार, ध्यान दो हाँ अच्छे से। To go on morning walk, to go on morning walk is a good एक्सरसाइज। क्या है गुड एक्सरसाइज? तो यहां पे हमको टू गो क्या पहचानना पड़ेगा ना, टू गो ऑन मॉर्निंग वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। उसके बाद गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक, गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक is a good exercise। ध्यान दो क्या क्या बोला। हाँ सुन में सुष्मिता बोलो, तो टू गो ऑन मॉर्निंग वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। थ्री नंबर हो गया आई saw him going on morning walk। तो यहां पे हम देखते हैं यहां पे going क्या है, यहां पे to go क्या है, जान जाएंगे। तो are you getting? आवाज नहीं आई थी, बैटरी चेंज कर दिया। तो हम जरा ध्यान देते हैं, टू गो ऑन मॉर्निंग वॉक ये गुड एक्सरसाइज क्या होगा, जब क्वेश्चन पूछने से व्हाट आएगा, ध्यान देना क्या आएगा, व्हाट अगर आएगा तो ये हो गया हमारा नाउन। तो क्या करेंगे, व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज, तो क्या होगा टू वॉक, चलना एक अच्छे एक्सरसाइज है। तो जहां पे क्वेश्चन वागने से व्हाट आएगा ये एक जेरंड है कि नहीं है, नहीं आईएनजी होगा तो जेरंड होता, ये क्या है टू प्लस भार वन इन्फिनिटिव है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे नाउन, नाउन है तो, लेकिन ये भाव नहीं कहलाएगा, एडजेक्टिव भी कहलाएगा, बड़े क्लास में पढ़ेंगे ना, साथ बात क्लियर। ओके तो टू गो वन मन, अगर आप कोई भी वर्ड आ जाता है स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन पूछ लेना, क्वेश्चन से अगर वर्ड आ जाएगा तो ये हमारा नाउन का काम कर रहा है। तो टू गो क्या हो गया यहाँ पे, फाइनाइट भाव की नॉन फाइनाइट भाव, नॉन फाइनाइट भाव, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं ना। गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज क्या होगा, यहां भी वही है, व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज गोइंग ऑन, माने मॉर्निंग वॉक को जाना एक अच्छा एक्सरसाइज है। तो यहां पे भी हम व्हाट अगर करेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारा व्हाट। हुआ तो अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें
मॉर्निंग वॉक में चलना या मॉर्निंग वॉक जाना जाना खाना इसका सेंस देगा, तो ये भी एक हो गया हमारा जयराम। क्या होगा? जयराम। तो यहाँ भी वहां लेकिन जयराम नहीं था क्योंकि भार फोर नहीं था, बोलो ये टू प्लस भार वन था इन्फिनेटिव, ये हो गया हमारा जयराम। आई सो हिम गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक, ये क्या है? नहीं, ये नहीं है। ये क्या होगा? जब हम कुछ से देखो, हर बात ध्यान देना, यहाँ पे हिम के बाद आईएनजी लगेगा, ध्यान देना, छोटा सा चीज बता रहा हूं, यहाँ पे हिम के बाद आईएनजी लगेगा, हर के बाद लगेगा, देम के बाद लगेगा, यू के बाद लगेगा या ऑस के बाद लगेगा आईएनजी। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। क्या बोला, समझ में आ रहा ना स्टूडेंट्स? ये मैं फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बाद। अगर हिम के बाद आईएनजी लगेगा तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर? तो ध्यान देना, फोकस करना। हर के बाद अगर आईएनजी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन आईएनजी लगना है, मैं हर बात नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? मैं उसे मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखा, जब करते हुए, जाते हुए, खाते हुए, सोते, जैसे सार खेड़े हुए हम दिखे, क्या बोलेंगे? आई सॉ अवर टीचर स्टैंडिंग। सार को खेड़े होते हुए दिखे, और सार का खेड़ा होना एक अच्छा काम है, ये लेकिन जरंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जब ना ने ई का सेंस देगा ये जरंड है, और जब खाते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, पढ़ते हुए, ये सब सेंस हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नहीं जाओ ना, इतना तो जाओ ये, हाँ ये बात में जाएंगे, प्रेजेंट को पहले कवर करते हैं, हाँ। तो क्या होगा? आई सॉ हिम गोइंग, ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। तो हम उसे क्या बोलेंगे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जेरंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? तो भार फोर ये भी है, ये भी भार फोर है, लेकिन ये क्यों एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि ये बता रहा है काम करने का, चल रहा है ना, और ये रोज काम बता रहा है, और ये कंटिन्यूटी है, माने काम चल रहा है। जैसे बोल लो कोई स्टूडेंट हमको दिखेंगे पढ़ते हुए, तो क्या है? एडजेक्टिव। और हमारा पढ़ना अच्छा लगता है, ये कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो राजेश, सुष्मिता, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। यहाँ पे और एक चीज लिखते हैं, देखो यहाँ जैसे हिम के बाद हुआ, मैं और एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं जरा। माय फादर, माय फादर सॉ हिज डांसिंग। ध्यान दो अच्छे से, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन अंडरलाइन दे के आएगा, अंडरलाइन दे देगा, क्या है पूछेगा, हाँ। तो वहां पे और एक क्वेश्चन दिया, माय फादर सॉ हिम डांसिंग। तो ये जो दोनों सेंटेंस दिया, ये दोनों सेंटेंस को आप जरा ट्रैक करो ट्रांसलेट करने के लिए, ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाएगा। क्या होगा? पापा उसका डांसिंग देखे, उसका डांसिंग, और उसको डांसिंग करते हुए देखे। तो यहां पे सेंटेंस में हीज हो जाएगा, ध्यान देना, हीज हो जाएगा, माय हो जाएगा, हाँ, आवार, दे आर, उसके बाद हीज हो गया, हार हो जाएगा, ये सब अगर आ जाता है, योर हो गया, उसके बाद अगर आईएनजी लगता है तो ये हो जाएगा जेरंड, हाँ, ध्यान देना। तो ये भी बहुत हेल्प करेगा, हीच, माए, आवार, देयर, हार, योर, ये सब क्या है? सब एक एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बस क्या रहेगा? नाउन रहेगा। क्या रहेगा? अगर ये बोले माय फादर सॉ हिम डांसिंग, पापा उनको नाचते हुए दिखे, माने डांस करते हुए। तो हम तो हिम का पहले पढ़ चुके हैं, हिम के बाद आईएनजी लगा है, तो क्या होगा? ये एक एडजेक्टिव है, हाँ। लेकिन ये क्या है? माय फादर सॉ हिम डांसिंग, उसका नाचना दिखे हैं, नाचना, पढ़ना और पढ़ाई करते हुए दिखे हैं, ये अलग है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जेरंड, हाँ। माने सर सर ट्रिक को ध्यान देना, बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि हमको बहुत कम टाइम में निकलना होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे माय फादर सॉ हिज डांसिंग है या सॉ हिम डांसिंग है, अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये मतलब आएगा पापा उसको नाचते हुए दिखे, और पापा का उसका नाचना अच्छा लगता है, तो अलग अलग सेंस आ गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। तो यहाँ पे और भी एक क्वेश्चन देता है, जैसे सोच लो सिंगिंग इज ए गुड हैबिट, बोल सकते हो, प्रैक्टिस बोल सकते हो,
और टू सिंग इज ए गुड प्रैक्टिस टू सिंग इज ए गुड प्रैक्टिस सिंगिंग इज ए गुड प्रैक्टिस सिंगिंग आई वेंट हाँ लास्ट कर दामा टू सिंग इज ए गुड प्रैक्टिस सिंगिंग इज ए गुड प्रैक्टिस सिंगिंग आई वेंट यार तीनों करो क्या क्या हो रहा है क्या होगा ये तो सार्था पृथ्वीराज आर यू गेटिंग मी एडजेक्टिव क्या है जेरन क्या है फिर नेक्स्ट समय डिस्कस करेंगे कुछ हाँ ये पे निकाल देते हैं टू सिंग इज ए गुड प्रैक्टिस क्या होगा नॉन फाइनाइट लेकिन ये क्या इन्फिनिटिव होगा ना सिंगिंग इज ए गुड प्रैक्टिस क्या है नहीं हाँ सिंगिंग व्हाट इज ए गुड प्रैक्टिस सिंगिंग आई वेंट देयर गाना गाते गाते मैं वहां गया गाते गाते सोते हुए तो ये सिर्फ क्या हुआ ये हो गया हमारा एडजेक्टिव एडजेक्टिव लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना और ये हो गया जेरंड ये हो गया इन फिनिटिव तो समझ में आया ना तो आज हम क्लास खत्म करते हैं डाउट होगा उसके ऊपर हम क्लियरिंग क्लास करेंगे तो सार को बोलते रहना डाउट होगा तो ओके देन थैंक यू हैव अ नाइस टाइम गुड नाइट हाँ जयरंड है जयरंड कौन सी है सेकंड वाला जयरंड है ऊपर वाला इन्फिनिटिव और नीचे वाला जो है पार्टिसिपल क्लियर दो मैं क्वेश्चन हम फिर कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में है ना ओके फिर स्पिनिंग गुड नाइट